हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 16, मूर्ख विद्वान। ठीक है। बहुत समय पहले किसी नगर में चार मित्र रहते थे। उनमें गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। उनमें से तीन बड़े ही विद्वान थे, परंतु इतने पढ़े लिखे होने पर भी उनमें सूझबूझ की कमी थी। इन तीनों के विपरीत चौथा मित्र इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर उसमें अकल और समझ कूट कूट कर भरी थी। एक बार चारों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार अपने ज्ञान का लाभ उठाकर धन कमाएं और जीवन को सुखी बनाएं। बातचीत के दौरान पहले विद्वान ने कहा, हमें दूर दूर के देशों की यात्रा करके दुनिया के तरह तरह के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हो सकता है कि इस यात्रा में हम किसी राजा या धनी की कृपा हो जाए, हम आसानी से मालामाल हो जाएंगे। अन्य मित्रों ने कहा, यह बात अन्य मित्रों ने यह बात मान ली उसकी। अब क्या होता है? पहले विद्वान ने कहा, हम तीन लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा सफल होना भी पक्का है। लेकिन इस चौथे का क्या होगा? यह तो बिल्कुल मूर्ख है। इससे कुछ होना तो दूर रहा, सदा हम पर बोझ ही बना रहेगा। इस पर दूसरे विद्वान ने कहा, हमारा हित इसी में है कि इसे घर पर ही छोड़ दिया जाए। लेकिन तीसरे विद्वान ने कहा, दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करना सही नहीं है। यह सच है कि इसने पढ़ने लिखने में कभी ध्यान नहीं लगाया, पर यह हमारा बचपन का मित्र है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह आपस में तय करके वे चारों मित्र साथ साथ लंबी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां उन्हें किसी जंगली जानवर की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। हड्डियों को देखकर एक विद्वान ने कहा, यह देखो, ये किसी जानवर की हड्डियां पड़ी हैं। या देखो, यहाँ किसी यह हमारे ज्ञान को परखने का अच्छा मौका है। आओ हम इस जानवर को जीवित कर अपने ज्ञान को परखें। ठीक है। इस पर पहले विद्वान ने कहा, मैं इस हड्डियों का ढांचा तैयार कर सकता हूँ। दूसरा विद्वान बोला, मैं उसमें मांस मज्जा और रक्त भरकर चमड़ी चढ़ा दूंगा। तब तीसरे विद्वान ने कहा, मैं उसमें प्राण फूंक सकता हूँ। फिर क्या था? पहले विद्वान ने हड्डियों को इकट्ठा करके ढांचा तैयार किया, दूसरे विद्वान ने उसमें चर्म मांस मज्जा और रक्त भर दिया। जैसे ही तीसरा विद्वान उसमें प्राण फूंकने के लिए आगे बढ़ा, चौथा मित्र चिल्लाकर बोला, ठहरो, इसे जिंदा ना करो, देखते ही नहीं, यह तो शेर बन गया है, इसे जीवित किया तो ये हमें खा जाएगा। पर इस पर तीसरा विद्वान नाराज होकर बोला, मूर्ख, तुम मेरी विद्या पर शक करते हो, मैं इसे जीवित करके ही छोड़ूंगा। इस तरह तीनों मित्रों ने चौथे मित्र की बात नहीं मानी। तो फिर थोड़ा रुको, चौथे मित्र ने कहा, और दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे विद्वान ने शेर को जीवित कर दिया। वह एक खूंखार शेर था। जीवित होते ही वह दहाड़ कर उन पर झपटा और तीनों को मार डाला। जब शेर वहां से चला गया, तब चौथा मित्र नीचे उतर कर अपने घर वापस लौट गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपनी सूझबूझ का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ये पाठ खत्म होता है हमारा। बाय बाय।